स्मृति नगर भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू जिस पर ईएसआईसी का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया गया है, इसके संधारण सहित पुनः निर्माण का कार्य स्वीकृत होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी कि निर्माण प्रारंभ होने की तिथि के पहले रातों रात यह सड़क दूसरी जगह बिछा दी गई और एक बार फिर स्मृति नगर एक नए विवाद के साथ सुर्खियों में आ गया। एसीएन न्यूज की टीम ने इस सड़क विवाद की सच्चाई को जानने का प्रयास किया और वहां के रहवासियों से बातचीत की। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, हम खड़े हैं सेंट्रल एवेन्यू स्मृति नगर में। पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ईएसआई का एक नया हॉस्पिटल, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल यहाँ तैयार हो रहा है और इस हॉस्पिटल के सामने से सामने हमारा पंचमुखी हनुमान मंदिर है। यहाँ से लेकर के जो आगे चौक पड़ता है, जय हिंद चौक, यहाँ तक सड़क बनने का प्रस्ताव पारित हो चुका था, काम भी शुरू हो चुका था। इसके लिए जहाँ खुदाई की जरूरत थी खुदाई हुई थी, रोड की साफ सफाई हुई थी, अगल बगल के बेजा कब्जों को भी हटा दिया गया था। लेकिन क्या होता है कि एक रात में यहाँ पे बनने वाली सड़क कहीं और चली जाती है। इसी इलाके में स्मृति नगर में एक आनंद नगर इलाका है। ये पूरी सड़क जो यहाँ बननी थी, यहाँ का काम होना था, परमिशन इसकी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था और रातों रात यहाँ की सड़क उठती है और चली जाती है आनंद नगर में। कौन है इस पे दोषी? फिलहाल नाम आ रहा है कि नगर पालिक निगम भिलाई के एक कनिष्ठ अधिकारी, छोटे अधिकारी और जो इस रोड को बनाने वाले जो ठेकेदार हैं, इन दोनों की मिलीभगत हुई है। और इसकी जानकारी, सबसे बड़ी चीज़ कि इसकी जानकारी ना तो महापौर को है, ना ही क्षेत्र के विधायक को है और ना ही कमिश्नर को है, ना ही किसी अन्य अधिकारी को। तो ऐसा क्या होता है, क्या मतलब नगर निगम के अधिकारी इतने फास्ट हो गए हैं कि बगैर किसी को बताए वो अपनी ही जेब सेकने के चक्कर में ऐसे कर्म कर डाल रहे हैं? और रोड जैसी चीज जो कि मूलभूत सुविधा है, ईएसआई का हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है, बन चुका है, ज़रूरत है यहाँ रोड की, लेकिन नहीं, ये रोड रातों रात उड़ती है और आनंद नगर में चली जाती है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे इस विषय में कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्मृति नगर का सेंट्रल एवेन्यू कहा जाने वाला, जो कि पंचमुखी हनुमान मंदिर से लेकर के जय हिंद चौक तक आता है, यहाँ पर सड़क निर्माण का पूरा प्रक्रिया क्रियान्वित हो चुका था, सफाई हो चुकी थी, आजू बाजू के कपड़े हटा दिए गए थे, कुछ ठेले खोमचे वाले लगाते थे उन्हें भी हटा दिए गए थे, जहाँ खुदाई करनी थी वहाँ खुदाई भी हो चुकी। जैसा कि हमने बताया कि सब कुछ आपको बताया है कि क्या स्थिति थी, यह रोड जो है रातों रात उठ करके कहीं और चली जाती है। आज उसी सिलसिले में हम बात करेंगे स्मृति नगर के रहवासियों से कि आखिर यह माजरा क्या है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप चौधरी है और मैं स्मृति नगर में पिछले 25 सालों से रह रहा हूँ। और ये जो माजरा है, ये आज से 6 महीने पहले निगम ने एक ठेकेदार को ऑर्डर किया था और ये जोन 1 स्मृति नगर वार्ड 2 में एक काम होना था, डामरीकरण का काम होना था और ये पंचमुखी मंदिर से लेकर जय हिंद चौक तक का एरिया था जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल अभी नया बना है और वहाँ ईएसआई हॉस्पिटल बनने के दौरान काफ़ी सड़कें डैमेज हुई थी और ये बहुत अच्छी पहल थी डामरीकरण का, परंतु ऐसे सुनने में आया है कि पार्षद ने इसे उठाकर आनंद नगर में करवा दिया है डामरीकरण। आनंद नगर में डामरीकरण की जरूरत है, उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि स्मृति नगर का जो प्रस्ताव था उसको, प्रस्ताव के माध्यम से काम होना था, उसको आनंद नगर शिफ्ट करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसका विरोध करता हूँ। आपका कहना है कि पार्षद ने इस रोड को आनंद नगर में शिफ्ट किया, कितनी बड़ी भूमिका मानते होंगे? कि पूरा ठेकेदार पार्षद इन्हीं का इन्हीं से इन्हीं के द्वारा किया गया है, क्योंकि इसमें महापौर जी, कमिश्नर जी, विधायक जी, इनको किसी को भी मालूम नहीं था और ये रातों रात ये काम हो गया। जब आप लोगों को पता चला कि इतना बड़ा कांड हो गया है, एक रोड जिसका निर्माण शुरू होने वाला था वह कहीं और चली जाती है, शिकायतें कहाँ कहाँ थी? हम सांसद महोदय से मिलने गए थे, विधायक महापौर जी से भी बात हुई, उनने बोला नहीं मेरे को तो मालूम नहीं है, विधायक जी बाहर होने के कारण उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी मना किया, नहीं हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, हम तो अपने को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसी की जानकारी में ये नहीं है, ना तो महापौर की जानकारी में है, ना विधायक की जानकारी में है और ना ही नगर निगम के आयुक्त की जानकारी में है
कि आखिर यह काम हुआ कैसे। इसमें खुल करके ठेकेदार और नगर पालिक निगम भिलाई के छोटे से अदले से अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। देखना होगा कि नगर निगम इस पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल हम जानते हैं आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। ये जो घटना हुई है, ये जो बजट था सेंट्रल एवेन्यू का, उसको लिया गया है आनंद नगर। हमको कोई आपत्ति नहीं है कि आनंद नगर में सड़क बने नहीं बने, सड़क जहाँ बननी सड़क बननी चाहिए, लेकिन यहाँ का बजट उठा के आनंद नगर में ले जाना है, ये परिस्थिति उतर। और इसमें जिसका भी षड्यंत्र है उसकी जाँच होनी चाहिए। और इसके बारे में तो हम लोगों ने कल सांसद से भी बात करी है, तो सांसद के पास भी गए थे, तो उनको भी जानकारी नहीं इस सचिव ने, तो बोले कि हम इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। हो सकता है आनंद नगर में यहाँ से ज़्यादा जरूरत हो रोड की। नहीं तो बिल्कुल, जहाँ जरूरत वहाँ बननी चाहिए, लेकिन यहाँ का बजट उठा के वहाँ ले जाना, ये तो गलत है। पार्षद अब क्या कहते हैं? पार्षद ने जिस प्रकार से ये काम किया है इधर का उधर जी, अब ये सड़क कब बनेगी? इस सड़क के बारे में पार्षद से तो बात नहीं हुई है, पार्षद का कोई इसमें जवाब ही नहीं आया है, जबकि इतना सब भल्ला बुल्ला हो रहा है, लेकिन पार्षद को जवाब आना चाहिए कोई इसमें। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं बोला ये जो प्रस्ताव था, ये सोसाइटी की ओर से नगर निगम को आज से एक साल पहले लिखित में दिया गया था, और इसके लिए हम लोग लगे हुए थे कि स्मृति नगर में सड़क बन जाए, और अचानक पार्षद महोदय ने उनके पास तो कोई लिखित में है नहीं, ना उन्होंने स्मृति नगर के लिए आज तक कोई प्रस्ताव बना के भेजा है। हमारे जो भी काम होते हैं उनको वो और रुकवा देते हैं। हमारा पेवर लगना था कैनाल रोड पे, उसको डिगिंग भी शुरू हो गई थी, उसको भी रुकवा दिया। अब रोड को वहाँ बस उठा के आनंद नगर शिफ्ट कर दिया। उनके पास अगर कोई लिखित में उन्होंने प्रस्ताव आज तक अगर नगर निगम को स्मृति नगर के विकास के लिए दिया है तो दिखाएं, हमारे पास तो लिखित में है। और निगम से जो सेंक्शन हुआ है उसकी कॉपी भी हमारे पास, सेंट्रल एवेन्यू के लिए जो बजट पास हुआ उसकी कॉपी भी हमारे पास, आप चाहे तो देख सकते हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि पार्षद महोदय का कहीं जो अपना जो स्मृति विनिर्माण मंडल सरकारी बुनियादी जो संस्था है, इनके अध्यक्ष के साथ तो कुछ लेना देना नहीं है। अब उसका तो उसकी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह का सौतेलापन थोड़ा सा आप लोग बताएंगे क्या हो रहा है। माननीय पार्षद जी स्मृति नगर के लिए कोई डेवलपमेंट मालूम नहीं, हर काम का वो विरोध कर रहे हैं, बाकी जगह जो काम कर रहे हैं उसका आइडिया नहीं है, पर ये बड़ा अच्छा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम संदीप राम डेके है। संदीप जी, इस तरह का सौतेला व्यवहार स्मृति नगर से किस रूप से देखिए कुंठाघात है पार्षद महोदय जी अगर इस टाइप का कर रहे हैं, क्योंकि वोट तो हमारे स्मृति नगर में हम सब ने उनको दिया है, और वो हमारे स्मृति नगर को अनदेखा करते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कहीं ना कहीं सोसाइटी चुनाव लड़ते हैं, उनके पिताजी हमेशा चुनाव खड़े रहते हैं, हमेशा हार जाते हैं, कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है। मैं सोचता हूँ कि वो इस चीड़ से, हमारे अध्यक्ष साहब तो उनसे हमेशा अच्छा ही व्यवहार रखे, कभी भी उनको इस टाइप का नहीं लगा कि उनका काम रुकवाया या कभी उनके लिए कुछ किया ऐसा करके, तो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती कि पार्षद महोदय ऐसा क्यों करते हैं कि स्मृति नगर के आए हुए जितने भी काम हैं उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि स्मृति नगर से भी उनको बहुत सारे वोट मिले हैं, यहाँ की जनता ने उनको स्वीकार किया है, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये मैं सोच रहा हूँ, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आप अभी अब देख रहे हो रोड में जो काम चालू होना था, आपका 200 मीटर तक खुदाई हो चुका था, गिट्टियाँ वगैरह बीच गई थी, ये ऐसा ही हॉस्पिटल के पास है, लेकिन उस काम को रुकवा के चोरी छुपके से बोलूँगा मैं अधिकारियों और सुने मैं पार्षद जी महोदय साथ में थे ठेकेदारों की ये सब की मिली भगत से इसको परिवर्तित करके पड़ोस के आनंद नगर में शिफ्ट कर दिया गया। और हमारा प्रस्ताव तो गया है, हमारे पास लिखित में सब है, और हमने यहाँ से जाँच पड़ताल भी करी है, आवेदन में जहाँ स्वीकृत पत्र देखा तो उसमें स्मृति नगर क्लियर लिखा हुआ है कि पंचमुखी अनुमान से सेंट्रल एवेन्यू स्मृति नगर, सेंट्रल एवेन्यू आता है पंचमुखी अनुमान ईएसआई हॉस्पिटल से चालू होकर जय हिंद चौक, इसके बाद क्रॉस रोड है, फिर वो आगे आनंद नगर का रोड और आगे आता है करीबन, और 500 मीटर दूरी पर आनंद नगर स्टार्ट होता है, तो ये सेंट्रल एवेन्यू का पूरा एरिया है। तो उसमें लिखित में पूरा लिखा हुआ है कि आपका जो रोड का काम चालू होना है वो सेंट्रल एवेन्यू स्मृति नगर का डामरीकरण होना है, तो ये चीज़ें नहीं होनी।
कहीं और ही बन गया, अंदर की तरफ बना है, आनंद नगर के लिए। सड़क का काम शुरू होने वाला था, कुछ हद तक खुदाई भी हो चुकी थी, बरसात सामने है, क्या स्थिति होगी सड़क की? बहुत खराब स्थिति हो जाएगी यार, ऐसे एक हॉस्पिटल है, बहुत लोगों का आना जाना होगा और वो बरसात में और जो गड्ढे भर जाएंगे और गड्ढे जो जिस पर गड्ढे हैं वो पानी से और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे, आना जाना दुश्वार हो जाएगा। अभी क्या है, हर वर्ष यहाँ बरसात में इस सेंट्रल एवेन्यू में पानी भरता है, सबसे बड़ी समस्या ये है, और यदि यहाँ सड़क बन जाती है तो उससे निजात मिल जाता है। यहाँ के जो रहवासी हैं, जो दुकानदार हैं, उनके लिए बहुत राहत की बात होती है, लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में संभव है। क्या चाह रहे हैं? वहाँ रोड बने, प्रशासन को हम चाहते हैं कि वहाँ रोड बनाए, वो भले ही उन्होंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है कहीं और, लेकिन यहाँ के लिए बजट स्पेशल बजट ला के रोड बनाए। दोस्तों, स्मृति नगर का जो सेंट्रल एवेन्यू में जो रोड निर्माण होना था, ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है और देखना है, निगम ने अभी संज्ञान में लिया है इसे, महापौर जी ने भी अपने संज्ञान में लिया है और वैशाली नगर विधानसभा के विधायक के सेन जी ने भी अपने संज्ञान में इसको लिया है। जाँच का आश्वासन मिला है, जाँच में किसका चेहरा सामने आता है, क्यों ऐसा हुआ कि एक जगह की सड़क को उठा करके दूसरी जगह ले जाया गया, और अगर ले जाया भी गया तो जैसा कि यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि यहाँ पानी की समस्या रहती है, बरसात में पानी भर जाता है और सड़क बन जाता है तो इसमें पानी भराव की समस्या से निजात मिल जाता। निगम लगातार प्रयास कर रहा है कि जहाँ जल भराव की समस्या होती है उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाए, उसे ऐसा बना दिया जाए कि वहाँ जल भराव की स्थिति ना हो, लेकिन इस तरह का कार्य बिल्कुल समझ से परे है। वक्त बताएगा कि आखिर इसमें दोषी कौन है और निगम किस प्रकार की कार्रवाई करता है। एसीएन न्यूज के लिए स्मृति नगर से मैं हूं संतोष शर्मा।